जो पार्टी सही काम करेगी उसे ही देंगे वोट। मैडम 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकारी सरकार जो भी कर रही थी, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, वो किसके लिए कर रही थी? जनता के बचाने के लिए कर रही थी। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सही है, सिर्फ देश को खाया है, ना कोई रोड बना है और नए इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। कम्युनल हेट्रेड बहुत बड़ा इशू है। 60 साल देश को लूटा है, कुछ नहीं करा, वरना इतना हिट कर देती कांग्रेस। 60 साल राज करने वाली सोच सकते हो आप, कितनी पावर रखती होगी, कितना देश का विकास करती है। खाने के लिए कहाँ से लाएंगे, चोरी करें तो डाकी करें, चोरी भी बस की नहीं बढ़ाते। इतने बुरे दिन तो कभी भी नहीं आए जितने बीजेपी की सरकार में बुरे दिन आए हुए। डिबेट नहीं, मैं बताऊँ अपनी बात, अलग बात रख लो, ये बात अलग कानून बात चल रही है। हाँ, गर्म बात चल रही है, गर्म बात कही, सही मेरा कानून बात कही है। इलेक्शन को केवल 1.5 महीना बचा है। समाचार इंडिया की टीम्स लगातार आपको उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से इलेक्शन के हाल बता रही है। और आज मैं देहरादून में हूँ और देहरादून के मुस्लिम समुदाय के लोग इलेक्शन के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आज हम आपको इस शो के माध्यम से बताएंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है इलेक्शन का हाल। बस जो पार्टी विकास करेगी उसी को वोट मिलेगा, सारा मुद्दा जो है विकास पे है। अब कुछ पब्लिक के पास काम धंधे भी नहीं रहे, गरीब आदमी है बेचारे, पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं यहाँ, उनके पास भी काम धंधे नहीं है। उन्हें नौकरी मिल जाए, बस जो नौकरी देगा उन्हें उसे वोट मिलेगा, बस यही है विकास का। बेरोजगारी ज्यादा है बस यहाँ हिंदुस्तान में। जो पार्टी सही काम करेगी उसे ही देंगे वोट जी, क्योंकि बेरोजगारी फैल रही है पूरे उसमें ही। परेशान है हर आदमी, बेरोजगार है भैया, इधर लॉकडाउन लग जा, सब बेरोजगार हो रहा है। यह है कि कोई काम ठीक ठाक जो करेगा उसे ही वोट मिलेगा। जी जी बताइए, क्या लगता है इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है? बात करें तो इन्होंने कहा कि ना बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, नहीं नहीं मैडम मैं बताता हूँ ना, देखिए बेरोजगारी तो एक अलग एक मुद्दा है, लेकिन अलग मुद्दा नहीं, नहीं, तो नहीं 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 मैं वही जा रहा हूँ, सुनिए और चीजों पे आगे बढ़ते हैं ना। सरकार किस आधार पे बनेगी ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये आपके सामने मीडिया के सामने। देखिए बड़ा क्लियर कट है, आज भी लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, लगभग आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो फील्ड में घूमते हैं, आपको तो सब चीज़ का पता होता है, जो चीज़ एक आम आदमी को नहीं पता जनता है वो आप लोगों को पता होता है। सरकार समय समय पे हर महीने गेहूं फ्री दे रही है, चावल फ्री दे रही है, और जो कि कुछ अकाउंट्स में पैसे भी आ रहे हैं आपकी नॉलेज में होगा। ये जो लोग कह रहे हैं ना वो मैं पता नहीं, आई डोंट नो कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, बट लेकिन पैसा 500 रुपये मिल रहा है। अच्छा, योजनाओं के आधार पे जाएंगे, जब से हमारे यहाँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 7.5 वर्ष हो गए, उसमें कितने महिलाओं को कितने परिवार को ना सिलेंडर मुफ्त मिला है ना, जो बेचारे माँ बहने लकड़ी पे खाना बनाया करती थी, आग धूप पे धुप्पा रहती थी, उसमें वो हो रहा है। कुछ सिलेंडरों के आधार पे महंगाई को खत्म कर दिया जा सकता है मैडम? मैडम हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बात माननी पड़ेगी, ये तय है कि बिल्कुल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे उत्तराखंड में 5 साल से और केंद्र में 7.5 वर्ष हो गए, हमारे यहाँ ये देखिए ना भारत कितना मजबूत हुआ है, हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री जी कितना मजबूत किया भारत को। सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सही है, सिर्फ देश को खाया है। सारी चीजें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ से, आप करण पे आग वाले रोड पे चले जाइए, ऋषिकेश वाले रोड पे चले जाइए, ये रोड तो आज से तो 60 साल तक के नहीं बनी, कांग्रेस ने 60 साल राज करा, कोई भी रोड नहीं बनी, 5 साल भाजपा रही, सारा काम हुआ है, रोड तो अभी भी देख लो सारी जगह काम चल रहा है, सिवेरे डल रही है पूरी कारगी में, और यहाँ से लेके आपका माताले बाग तक सब ना कोई रोड बना है और नए इश्यूज क्रिएट हुए हैं। कम्युनल हेट्रेड बहुत बड़ा इशू है, सबको पता होगा, कम्युनल हेट्रेड बहुत बड़ा इशू है, जो कि इन रोड वगैरह से काफी ज्यादा बड़ा इशू है, क्योंकि जब कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ भपकेबाजी है, जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। हम ये कर देंगे 15 लाख पहुंचा देंगे अकाउंट में, किसके अकाउंट में आ गया 15 लाख? आइए प्लीज आइए, छोटा अटल आयुष्मान आया, यहाँ पूछो कितने लोगों ने लाभ दिया, किसी को लाभ नहीं मिला,
ऐसा है, सुनो मेरी बात, ऑन एक मिनट मेरी ऑन कर रहा है। पहले आदमी मर जाते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहीं इलाज नहीं होता था। आज अगर कोई प्राइवेट में जाएगा ना और आयुष्मान कार्ड दिखाएगा तो उसका 5 लाख तक का इलाज फ्री है। और ये 5 लाख रुपए कौन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे रही है? ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, कांग्रेस ने करा? कांग्रेस के राज में लोग जाते थे, 60 साल देश को लूटा है, 60 साल देश को लूटा, कुछ नहीं करा। मतलब इतना हित कर देती कांग्रेस, 60 साल राज करने वाली सोच सकते हो आप कितनी पावर रखती होगी, कितना देश का विकास कर सकते। मैडम चोरी है सब चोरी। 99% ना लोगों का यहाँ पर इलाज हो रहा है, अटल आयुष्मान से हो रहा है। 5 लाख रुपए मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं। आप पता ये है कि राशन लॉकडाउन से अब तक बीजेपी सरकार ने लॉकडाउन से अब तक राशन फ्री भी दिया है और वैसा भी दिया है। मैडम क्या होता था, जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था ना, अगर उसके वॉल स्टेंट्स बनने थे हार्ट में, तो 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आता था। अब आप ये देखिए, 5 साल को यहाँ, 5 साल हो रहे हैं सरकार को, यहाँ पर कोई परिवार ऐसा नहीं है। मैं ऑन लिस्ट बात कर रहा हूँ, लिस्ट बना गया, अगर किसी परिवार का कोई भी इलाज हो रहा है टोटल अटल आयुष्मान से हो रहा है। अगर कोई इस बात को नहीं मानता उसका तो खैर कोई इलाज नहीं, कह नहीं सकते। अगर सरकार से योजना लेके कोई मना कर रहा है तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन सीधा आप ये सवाल करो ना कि पूछो, आप मैं कहता हूँ मुझे कि भाई क्या अटल आयुष्मान का लाभ लिया? कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें कहीं 2.5 लाख, कहीं 3-4 लाख रुपए तक का इलाज फुल फ्री हुआ है। अच्छा महंगाई की अगर बात करते हैं, सुनिए, नहीं नहीं बढ़ा बिल्कुल भी, कौन कहता है बढ़ा? अरे मैडम सम्मान पूरा हो रहा है किसी समाज, मैं कह लो किसी भी समाज का कोई जो है हरण नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक नई घटना सामने आई। मैडम देखिए ये तो छोटी मोटी घटनाएं ऐसी इस तरह से होती हैं, चलती रहती हैं ये तो। लेकिन मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ ना, आपने नहीं ये बात सुनिए, विषय जिस विषय पे उस विषय बात करते हैं, और ऊंची बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। एक एक ना एक छोटा सा, आज हमारे यहाँ मजदूर कितने पैसे ले रहा है पता आपको? दिहाड़ी कितने लेता है? दिहाड़ी 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, 500 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। एक अच्छा जो राजमिस्त्री होता है, वेल्डर होता है, सब इस तरह के 800 रुपये ले रहे हैं। मैडम ये थोड़ा सा ना, अगर थोड़ा सा उन्हें लग रहा है, सोच नहीं पा रहे, समझ पा रहे, अगर आमदनी बढ़ी है, अगर आटा 20 रुपए से 22 रुपए हुआ है ना, तो उनकी जिनकी दिहाड़ी 500 थी ना, 600 ही है, 700 ही, 800 ही है, तो इनकम रेशियो भी तो बढ़ा ना। तेल का हाँ ये है कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, इस सरकार में रह के 1500-1600 रुपए का करंट हुआ आ रहा है, 1600 का करंट ये तो कोई भी, हाँ 2200 गरीब क्या है, सब बेकारी हालत गरीबी की, तो आदमी जब लॉकडाउन लगेगा तो बैठेंगे घर में, खाने के लिए कहाँ से लाएंगे, चोरी करेंगे डाकटी करें, चोरी भी बस की नहीं बढ़ाते ना, और हमने क्या कहना है। ऐसा क्यों कांग्रेस के सरकार में देखो सभी को सहूलियतें थी, जो सिलेंडर 450 का था आज बीजेपी सरकार में 1000 का पहुंच गया। हर तरीके से महंगाई से भी, बेरोजगारी से भी, हर तरीके से परेशान है आदमी, रोजगार किसी के पास नहीं है। अब ये बेचारा ठेली वाला ये कह रहे थे चाय बनाओ चाय बनाओ, ये गैस की वजह से परेशान है ठेली वाला हमारा, बाकी ये बताएगा हमारा भाई। इतने बुरे दिन तो कभी भी नहीं आए जितने बुरे दिन आपके साथ रखे, इतने बुरे दिन तो कभी भी नहीं आए जितने बीजेपी की सरकार में बुरे दिन आए हुए। अभी तो आप लोगों को मालूम होगा जनता की क्या राय है, जनता की किस बारे में राय है बताओ। आप जो कह रहे हैं बुरे दिन आए, क्या अब बहुत बुरे दिन आ गए, हर चीज में महंगाई है, हर चीज में करप्शन है। कांग्रेस की सरकार में सबसे बढ़िया होता है, अव्वल तो काम कोई करता नहीं, वोट के वक्त पे सब आ जा, वोट के वक्त पे सब आ जाते हैं, काम कोई नहीं करता। तो आप संतुष्ट हैं इस बार जो आपके यहाँ पे जो 5 साल में काम हुआ है उससे संतुष्ट हैं आप? हमारा कोई संतुष्ट नहीं है इस टाइम, जब महंगे सब महंगाई है, सब महंगाई कोई बताओ, सभी महंगाई से परेशान है। बताओ कौन सही है सहूलत से, महंगाई से गरीब आदमी वो महंगाई से परेशान है, हर आदमी परेशान है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी आनी चाहिए वापस दोबारा। अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम विशाल, जोर से बताइए विशाल। विशाल भैया कह रहे हैं इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए बीजेपी सरकार, क्या लगता है इस बार? मैं तो यही बता बोल रहा हूँ, विकास काम, विकास तो देखो कर रहे हैं। हाँ महंगाई अपनी जगह है, महंगाई तो पहले भी थी, महंगाई आज भी है। अब जानते हैं इलेक्शन इस बार बहुत करीब है, इस बार 3 पार्टियां जो है उत्तराखंड में दावेदार है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। इस बार क्या लगता है कि कौन अपना परचम लहराएगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एक्चुअली आइडिया तो हमें कांग्रेस का है कि कांग्रेस आ सकती है। हाँ जी, तो क्या लगता है कांग्रेस इस बार जो है उन्नति कर पाएगी, भाजपा कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी? आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार, बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं। नहीं दावे तो देखो सब जगह से किए जा रहे हैं, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी, बट ज़्यादा चांसेस जितने लोगों जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस कांग्रेस के हैं।
हाथ के पंजे हरीश रावत को देंगे, हरीश रावत की जीत कराएंगे इस बार। और आप कांग्रेस? आप सर कांग्रेस? सब लोग कांग्रेस पार्षद कौन है? बीजेपी का पार्षद है। हमारे में क्या कहें, आज तक हमारे यहाँ तो कोई काम किया नहीं भाजपा ने। भाजपा ने काम नहीं किया? रोड वगैरह आपके बने हुए वैसे तो? उसने वैसे बने कांग्रेस के दौर में बने थे बस, रोड नहीं बना अभी कोई रोड नहीं बना। कितने गंदगी नालियों में यहाँ पे। अच्छा विनोद चावल क्या विधायक है? आते हैं नहीं। तो देखा आपने, कुछ लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को अच्छा कह रहे हैं, कुछ आम आदमी की तरफ हैं। पर देखना ये होगा कि डेढ़ महीने बाद सरकार किसकी बनती है, किसके सर पर ताज सजता है मुख्यमंत्री का। तब तक के लिए आप बने रहे समाचार इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन देवेश उपाध्याय के साथ फौजा फिरोज मलिक, समाचार इंडिया।